नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भूगोल से संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 500 के करीब आपके ख़त्म कर चुके हैं। 501 से हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 501 बाय, मानस किस नदी की उपनदी है? जो आपकी मानस नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बता देना है, ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा इसमें आपका। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो जो आपकी गोदावरी नदी है, इसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कैन मिलती है आपकी, चंबल भी मिलती है, लेकिन जो आपकी सोन है ये नहीं मिलती है, बेतवा भी मिलती है। तो क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन, 503 में सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो याद रखना, गंगा। गंगा आपकी राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, क्वेश्चन है पांच, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाही है। क्वेश्चन है छठवां, सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत जो आपका नगर है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये आपकी तापी नदी। क्वेश्चन सात, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? जो आपका जमशेदपुर नगर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तट पर? तो याद रखना, जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। क्वेश्चन है आपका आठ, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नौ, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक, ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके आपकी खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन दस, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है? कोसी नदी। क्वेश्चन है आपका 11, क्या है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो आपको पता होगा, महानदी का हुआ है, चेनाब का भी हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नहीं हुआ है, रावी का भी हुआ है। तो इसमें क्या होगा? सी। क्वेश्चन 12, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो आपको पता ही होगा, नर्मदा। क्वेश्चन है आपका 13, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? गोदावरी का हुआ ही है, घाघरा का नहीं हुआ है, रावी का भी हुआ है, झेलम झेलम का भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बी होगा। ठीक है, घाघरा का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 14, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो यह आपकी लूनी।
15। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है? अष्टमुदी झील नहीं है आपकी, पुलिकट झील है, पेरियर झील भी है, चिल्कावी झील है। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है 15-16। निम्नलिखित में से कौन सा सागर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, सॉरी नगर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? सूरत बसाई है, मैसूर भी, लेकिन भोपाल आपका किसी नदी के किनारे नहीं है। क्वेश्चन है 17। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? कानपुर। क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? कानपुर आपका गंगा के किनारे है, दिल्ली नहीं है, बरौनी भी है, पटना भी है। तो 18 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 19। स्टील सिटी राउर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मणी नदी के, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है हमारा 20। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचेरापल्ली आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 21। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कोयना बांध स्थित है आपका कहाँ? कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन है 23। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 24। हीरा कुंड बांध कौन सा? हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आप याद रखिए, हीरा कुंड नदी आपका महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन है 25। थीन बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये आपकी रावी नदी पर। क्वेश्चन है 26। साबरमती नदी किस नगर के किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती जो नदी है किस शहर के किनारे बहती है? तो ये आपकी अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। 27। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। क्वेश्चन है 28। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो ये आपका कावेरी नदी। क्वेश्चन 29। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सरवती नदी पर। क्वेश्चन है 30। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन है हमारा 31। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात आपका टॉन्स नदी पर स्थित है। बत्तीस। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बेलगांव में स्थित है। तैतीस। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से?
34। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। पैंतीस। त्रिवेणी नदी नहर किस नदी से निकलती है? ये आपकी गंडक से निकलती है। क्वेश्चन 36। सारण सिंचाई नहर निकलती है? सारण सिंचाई नहर आपकी गंडक नदी से निकलती है। क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बैगाई भी बहती है, नेत्रावती नहीं बहती है, तापी भी बहती है। तो इसमें क्या होगा? सी। 37 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन 38। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह आपकी सिंधु नदी। क्वेश्चन है 39। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का, मध्य प्रदेश में। ठीक, अमरकंटक कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है आपका 40। कोरी निवेश का जिस पर स्थित हुआ है कच्छ का रण? 40 में आपका डी, सॉरी ए। क्वेश्चन है 41। पनियान इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान इरूला जनजाति आपकी तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ? तमिलनाडु में। क्वेश्चन है 42। दफला और सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43। लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम में। क्वेश्चन है 44। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? व्हील है, सहारिया भी है, इसमें आपकी डोगरी नहीं है, मीना भी है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? 45 में सी। क्वेश्चन है हमारा 46। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है आपकी? तो ये आपकी झारखंड में। क्वेश्चन 47। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। क्वेश्चन है 48। गारो खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये आपकी मेघालय में। उनचास। आओ जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका निवास क्षेत्र कहाँ है? असम में। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है 51। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी है भीलों की,
क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो ये आपकी भोटिया। त्रेपन, चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवासी है? ये आपके आंध्र प्रदेश। चौवन, ओरानो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी झारखंड। पचपन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन है 56, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? झारखंड जो राज्य है इसकी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। संतावन क्वेश्चन, गारो जनजाति है मेघालय की। क्वेश्चन 58, गद्दी लोक निवासी हैं हिमालय प्रदेश की। क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? यह आपकी सोमपेन निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन 60, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में, भील जनजाति आपकी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है 61, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। क्वेश्चन है आपका 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई नहीं है, मुंबई है, पारादीप है, कांडला है। 62 में आपका सी होगा। 63, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में। क्वेश्चन 64, बंदरगाह वाला नगर है, बंदरगाह वाला नगर है मंगलोर, कौन सा? मंगलोर। क्वेश्चन है हमारा 65, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? यह आपकी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़ी निजी स्तर के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन है 67, भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो यह आपका दाहेज। क्वेश्चन 68, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 69, पारादीप
बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह आपका उड़ीसा में है। 70। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। 71। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई में है। 72। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। 73। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो ये आपका कांडला। बी ऑप्शन सही है। 74। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो यह आपका कांडला। पचहत्तर। मार्मागाव पतन स्थित है? यह आपका गोवा में। 76। डॉल्फिन नॉच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह आपका विशाखापत्तनम। 1 दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्या है इसमें? बरेली। बरेली आपका दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 78। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है कांच, सीमेंट, कांच, बीड़ी। तीनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं है। 78 में आपका डी होगा। क्वेश्चन 79। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी। पश्चिम। पेम्परी संबंधित है आपका? पेम्परी संबंधित है पेनिसिलिन उद्योग से। 81। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ कारखाना पाया जाता है? तो ये आपका जामनगर में है। 82। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में। 83। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग। 84। बिहार में तेल शोधन शोधक कारखाना है? बरौनी में। 85। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? मरहौरा में। 86। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? गुजरात में। 87। डीजल लोकोमोटिव
कारखाना कहाँ स्थित है? वो वाराणसी में। यूपी। क्वेश्चन 88, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची। क्वेश्चन हमारा 89, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। क्वेश्चन 90, दुर्गापुर लोहे इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन। इक्यानवे, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक भोक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? या आपके अरुणाचल प्रदेश में। तैरानवे, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। चौरानवे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? राजस्थान। क्वेश्चन है हमारा 95, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? पंजाब। छियानवे, निम्नलिखित में से कौन मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार। क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित वर्षों में किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को। क्वेश्चन है 98, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी मणिपुर में है। क्वेश्चन है आपका 99, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 600, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में? ये ऑप्शन सही है। तो चलिए, ये थे आपके 600 क्वेश्चंस तक। 601 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक।